नमस्कार, स्वागत है आपका ओनली न्यूज़ में। बिहार में देखा था आपने किस तरह से बम धमाका हुआ था और ईंट से ईंट बस गई थी मस्जिद वहां के मदरसे की। और उसके बाद आज एटीएस ने बड़ा खुलासा किया है, आतंकी कनेक्शन देखा जा रहा है। चलिए हम आपको दिखाते हैं कि क्या कह रही वहां की जनता, गांव के लोग इतना क्यों डरे हुए हैं, क्योंकि इतना बड़ा धमाका कि जो दीवार थी वो जाकर रोड पर जाकर गिरी, यानी कि इतना तेज़ धमाका था कि वहाँ के पुरुषों ने गांव छोड़ दिया कि शायद हम लोग को कोई मारना चाहता है। लेकिन वहीं पर हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि जिस तरह से एटीएस ने यह खुलासा किया है, उस खुलासे को लेकर काफ़ी ज़्यादा हड़कंप मचा हुआ है। शासन प्रशासन सब लग गया है इस बात की जानकारी इकट्ठा करने के लिए कि आखिरकार इतना बड़ा बम धमाका हुआ कैसे, क्या कोई बड़ा आतंकी कनेक्शन है। बता दूँ आपको, मदरसा बम विस्फोट मामले में एटीएस की एंट्री, आतंकी कनेक्शन का भी हो सकता है, हो सकती है कोई जांच, और गांव में पसरा हुआ है सन्नाटा। बता दूं, बिहार के बांका सदर थाना क्षेत्र में नोटोलिया गांव स्थित मदरसा में मंगलवार को हुए शक्तिशाली बम विस्फोट से तीसरे दिन गुरुवार को पुलिस सहित विभिन्न जांच एजेंसी का अनुसंधान लगातार जारी है। गुरुवार को पटना से आई एटीएस की 4 सदस्यीय टीम ने दूसरी बार घटनास्थल का दौरा कर मामले की जाँच की। एटीएस टीम का नेतृत्व कर रहे इंस्पेक्टर रंजीत सिंह ने बताया कि घटना के प्रत्येक पहलू की गंभीरता से जांच की जा रही है। मसलन, घटना के विस्फोटक बम की क्षमता क्या थी, बम बनाने का हाई एक्सक्लूसिव पदार्थ का इस्तेमाल हुआ है कि नहीं, घटना के पीछे किस किस संगठन व कौन कौन लोग शामिल हैं, इसका तार कहाँ कहाँ से जुड़ा हुआ है, आईडी ब्लास्ट है कि नहीं। आगे उन्होंने बताया कि सभी पहलुओं पर जाँच चल रही है, टीम को अभी तक कोई ठोस प्रमाण नहीं मिले हैं। उन्होंने आगे बताया कि 31 सैंपल की गहनता से जांच चल रही है। उधर उसके पूर्व सेंट्रल आईबी की 10 सदस्यीय टीम ने सुबह सवेरे घटनास्थल का दौरा कर जरूरी साक्ष्य इकट्ठा कर अपने साथ ले गई। टीम ने जांच के बाद स्थानीय स्तर पर कोई जानकारी नहीं दी गई है। बताया जा रहा है कि टीम को कुछ अहम सुराग मिला हुआ है। बता दूं, एसआईटी कर रही है मामले की जांच। बम विस्फोट के बाद तीसरे दिन भी गांव में अजीब सा सन्नाटा पसरा रहा। गांव के पुरुष पहले से ही गायब हैं, कुछ महिलाएं गांव में ज़रूर हैं लेकिन मुंह खोलने को तैयार नहीं है। बम विस्फोट बनाने वाले मामले में एसपी ने एसआईटी का गठन कर दिया है। एसआईटी की टीम लगातार छापामारी अभियान चला रही है। बताया जा रहा है कि मृतक इमाम के शव को फेंक कर फरार चालक कौन था, ऑटो वाहन किसकी थी, पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है, लेकिन पुलिस को अभी तक कोई अहम सुराग नहीं मिला है। हालांकि बांका पुलिस मामले को स्थानीय एंगल से जोड़कर जांच में जुटी हुई है। मेडिकल टीम के द्वारा दी गई पोस्टमार्टम रिपोर्ट को आधार मानकर जांच को आगे बढ़ा रही है। एसपी अरविंद कुमार गुप्ता ने बताया है कि पुलिस की जाँच सही दिशा में चल रही है। एफएलएस टीम के जांच रिपोर्ट का इंतज़ार है। घटना में अन्य जख्मी की कोई सूचना नहीं मिली, हालांकि पुलिस गांव में कैंप कर रही है। इतना बड़ा धमाका हुआ है तो जाहिर सी बात है उसमें लोग मरे भी होंगे, घायल भी होंगे। एक ही शव मिला है, बाकी शव कहां गए, क्या उनके चीथड़े उड़ गए, क्योंकि घर के जितने गांव में पुरुष थे उन सब ने गांव छोड़ दिया है, यानी पलायन कर गए किसी और जगह पर, क्योंकि उन्हें इस बात का शायद डर है कि यहाँ पर कोई आतंकी घटना हो सकती है या फिर पुरुषों को निशाना बनाया जा रहा है। यही सब घटनाएं सामने देखकर पुरुषों ने गांव छोड़ दिया है, यानी कि स्थिति स्पष्ट है कि कोई बड़ी चाल है गांव में या फिर कुछ आतंकी एक्टिव हैं जो लगातार इस घटना को अंजाम देने का पूरा विचार बना रहे हैं, इसीलिए गाँव के पुरुषों ने ये काम किया और उन्होंने गाँव छोड़ दिया। चलिए, आपकी क्या राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और जितना हो सके वीडियो को शेयर भी करें, क्योंकि जब भी आप वीडियो को शेयर करते हैं तो सच्चाई जनता तक पहुंचती है। और आज एटीएस की एंट्री से काफ़ी ज़्यादा बौखलाए हुए हैं कुछ जिहादी, कुछ आतंकी, क्योंकि आतंकी कनेक्शन है ही है। इतना बड़ा शक्तिशाली बम भला एक गाँव में कैसे बन सकता है, सबसे बड़ा सवाल तो यही है। इसीलिए एटीएस लगाई गई, इसीलिए और भी जांच एजेंसियां बुलाई गई हैं कि इस मामले की गहनता से जांच हो ताकि सच्चाई सामने आ सके। आखिरकार जो गांव के पुरुष थे वो गांव छोड़कर क्यों भागे, क्या वो सब संलिप्त हैं या फिर उन्हें मरने का डर है कि कहीं हम गांव में रुक जाएं तो कहीं हमारे ऊपर धमाका न हो जाए, या फिर कुछ आतंकी वहाँ पर आकर
यहाँ के पुरुषों को धमकी देकर चले गए कि अगर गांव में रहोगे तो मारे जाओगे। इस डर से हो सकता है गांव के पुरुषों ने गांव खाली कर दिया हो, और ये भी हो सकता है कि इसके पहले महिलाओं पर अत्याचार भी हुए हों, इसलिए महिलाएं मुंह नहीं खोल रही हैं। यानी कि अभी से सिर्फ अटकलें लगाई जा रही हैं, सच्चाई क्या है जैसे सामने आती है हम आपको ज़रूर बताएंगे। आप भी क्या राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और जितना हो सके वीडियो को शेयर भी करें, क्योंकि जब भी आप वीडियो को शेयर करते हैं तो ये सच्चाई जनता तक पहुंचती है। और विस्फोट में अगर आप बिहार से हैं, अगर आप उस क्षेत्र से आते हैं, तो एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि ये घटना कैसे हुई, कैसे ये विस्फोट हुआ। कुछ लोग का वहाँ पर कहना है कि सिलेंडर फटा है, कुछ लोग का कहना है कि यहाँ पर बम फटा है। जब तक ATS इसका कोई बड़ा खुलासा नहीं कर देती, तब तक सिर्फ अटकलें ही लगाई जा सकती हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं किया जा सकता। चलिए वीडियो समाप्त कर रहे हैं, बने रहें ओनली न्यूज़ नेशन साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मानस मिश्रा, द न्यूज ओशन का मैनेजिंग डायरेक्टर, आपके लिए एक ऐसी पत्रिका पहली बार आई है जो सिर्फ सच दिखाएगी। कृषि कानूनों पर मचा है घमासान, हो रही है मनगढ़ंत बातें। मैं अंकित मिश्रा, पढ़िए मेरा आर्टिकल इस मैगजीन में फैक्ट के साथ। UPSC के एस्पायरेंट समझे हर मुद्दों को गहराई में जाकर के। इस नए लेख में आपको मिलेगा नए संसद भवन के निर्माण से संबंधित सारी जानकारी। मैं विशाल यादव, आप तक आप लोगों ने हमें TV पे देखा, लेकिन अब हमारे लेख आपको दिखेंगे इस मैगजीन में। मैं रंजीत प्रसाद, रिपोर्टर द न्यूज ओशियन, हम आपको दिखाएंगे किसान आंदोलन के बीच में जिहादी कांड। सब्सक्राइब करें द न्यूज ओशियन, खबरों का समंदर। मैं मानस मिश्रा, द न्यूज ओशियन का मैनेजिंग डायरेक्टर, आपके लिए एक ऐसी पत्रिका पहली बार आई है जो सिर्फ सच दिखाएगी। कृषि कानूनों पर मचा है घमासान, हो रही है मनगढ़ंत बातें। मैं अंकित मिश्रा, पढ़िए मेरा आर्टिकल इस मैगजीन में फैक्ट के साथ। UPSC के एस्पायरेंट समझे हर मुद्दों को गहराई में जाकर के। इस नए लेख में आपको मिलेगा नए संसद भवन के निर्माण से संबंधित सारी जानकारी। मैं विशाल यादव, आप तक आप लोगों ने हमें टीवी पे देखा, लेकिन अब हमारे लेख आपको दिखेंगे इस मैगजीन में। मैं रंजीत प्रसाद, रिपोर्टर द न्यूज ओशियन, हम आपको दिखाएंगे किसान आंदोलन के बीच में जिहादी कांड। सब्सक्राइब करें द न्यूज ओशियन, खबरों का समंदर। मैं मानस मिश्रा, द न्यूज ओशियन का मैनेजिंग डायरेक्टर, आपके लिए एक ऐसी पत्रिका पहली बार आई है जो सिर्फ सच दिखाएगी। कृषि कानूनों पर मचा है घमासान, हो रही है मनगढ़ंत बातें। मैं अंकित मिश्रा, पढ़िए मेरा आर्टिकल इस मैगजीन में फैक्ट के साथ। UPSC के एस्पायरेंट समझे हर मुद्दों को गहराई में जाकर के। इस नए लेख में आपको मिलेगा नए संसद भवन के निर्माण से संबंधित सारी जानकारी। मैं विशाल यादव, आप तक आप लोगों ने हमें टीवी पे देखा, लेकिन अब हमारे लेख आपको दिखेंगे इस मैगजीन में। मैं रंजीत प्रसाद, रिपोर्टर द न्यूज ओशियन, हम आपको दिखाएंगे किसान आंदोलन के बीच में जिहादी कांड। सब्सक्राइब करें द न्यूज ओशियन, खबरों का समंदर।